क्या आप भी अपने GTA 5 के अंदर इंडियन फ्लैग लगा के अपने दोस्तों के सामने कूल लगना चाहते हो? तो गाइस बहुत ही आसान स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ, 3 मिनट के अंदर आपका पूरा काम हो जाएगा। तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको होम स्क्रीन पे डेस्कटॉप पे आ जाना, उसके बाद यहाँ पर ओपन आईवी को क्लिक करके ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपका ओपन आईवी यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही स्टार्ट होगा मैं इसको पहले बड़ा कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर एडिट मोड आपको नजर आ रहा है, एडिट मोड पे आपको क्लिक करना है और यस पे क्लिक करना है। तो आपका एडिट मोड ऑन हो गया। x64c.rpf पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको कॉपी टू मोड्स फोल्डर यहाँ पर शो होगा। तो उसके बाद यहाँ पर आपको GTA 5 के फोल्डर्स में जाना है। उसके बाद मॉड्स पे क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं मॉड्स पे मैंने क्लिक कर दिया, फिर यहाँ पर x64c.rpf पे, फिर लेवल्स पर आपको क्लिक करना है नीचे वाली फाइल, फिर GTA 5 वाले, फिर यहाँ पर आपको प्रॉप्स पे क्लिक करना है। उसके बाद गाइस ऊपर बिल्डिंग वाली जो फाइल है उस पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर रूफ टॉप पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर आ गए तो सिंपली आपको ये क्लोज कर लेना है। नीचे जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया रखा है वो लिंक पे आपको क्लिक करना है, आपके सामने ये वाली वेबसाइट ऑन हो जाएगी। तो वेबसाइट खुल जाएगी, यहाँ पे आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो आपकी फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है, बहुत ही छोटी फाइल है गाइस, कुछ भी नहीं, बस 30 KB की फाइल है। तो इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। आपको एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर हम एक्सट्रैक्ट एयर कर लेते हैं। तो ये जो दो नीचे की फाइल्स है, प्रॉप फ्लैग रशिया, तो गाइस रशिया इसका नाम है, ये नहीं कि रशिया का फ्लैग है, इंडियन फ्लैग है। आपको यहाँ से जो मैंने लिंक दिया उसे क्लिक करना है। उसके बाद ड्रैगन ड्रॉप यहाँ पर लेफ्ट साइड में कर देना है, वहां से कॉपी करके इधर पेस्ट कर देना है। तो ड्रैगन ड्रॉप कर दो, इजी आराम से हो जाएगा। उसके बाद आपको रिफ्रेश कर लेना। उसके बाद गाइस आपको अपनी गेम खोलना है, फिर बताता हूं मैं क्या करना है। तो गाइस जैसे ही आपकी गेम ओपन हो जाएगी यहाँ पर आपको F8 क्लिक करके मेन्यू मोड ऑन कर लेना। उसके बाद नीचे यहाँ पर जाना है ऑब्जेक्ट स्पूनर में। ऑब्जेक्ट स्पूनर में जाने के बाद गाइस स्पूनर मोड को ऑन करना है। उसके बाद स्पॉन एंटिटी इनटू वर्ल्ड आपको क्लिक करना है। उसके बाद गाइस इसमें जैसे आप क्लिक करोगे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है POLE, पोल लिखना है। उसके बाद भाई आपके सामने यहाँ पर सारे पोल आ जाएंगे, CCTV पोल, स्ट्रीट लाइट पोल, सारे पोल आ जाएंगे। आपको यहाँ पर फ्लैग पोल 1A पे क्लिक करना है। तो जैसे आप यहां पर देखते हैं कि पोल हमारा आ चुका है। तो यहां पर पोल बढ़िया लग रहा है और इस पे फ्लैग वगैरह बहुत अच्छा लगेगा। तो आपको कुछ नहीं है, बैक करना है। बैक करने के बाद फिर से ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है। ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद सर्च पे क्लिक करना है। वहां पर सर्च पे क्लिक करने के बाद रशिया आपको सर्च करना है। तो रशिया ये मतलब नहीं कि इंडिया फ्लैग नहीं है, बस इसका नाम रशिया है, फाइल का नाम रशिया है, लेकिन फ्लैग इंडियन है। तो आप यहां पर देख सकते हैं जो सेकंड वाला नीचे जो सेकंड वाला है ये इंडियन फ्लैग है। तो आप देख सकते हैं गाइस अपना इंडियन फ्लैग भाई आ चुका है गेम के अंदर, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो गाइस देखो इतना आसानी से आप इसको कर सकते हो। तो भाई फ्लैग तो बहुत ही प्यारा लग रहा है और गाइस अपने GTA 5 के अंदर यहाँ पर इंडियन फ्लैग आ गया और भाई दिखने में तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो गाइस इसको भी आप अपने गेम में ऐड कर लो और 15 अगस्त के दिन भाई आजादी मनाओ, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो। हर किसी के गेम में इंडियन फ्लैग होना चाहिए। तो चलो भाई ऐसी हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द क्लैश ऑन फायर।